आप जानते हैं कि शाहिद कपूर को वेजिटेरियन बनने के लिए किसने किया था मोटिवेट? आइए जानते हैं। शाहिद कपूर की गिनती बॉलीवुड के बड़े एक्टर में होती है। शुरुआत में शाहिद की गिनती बॉलीवुड के रोमांटिक एक्टर्स में से होती थी, लेकिन हैदर फिल्म के बाद बॉलीवुड में उनका रुतबा तेजी से बढ़ा। कुछ समय पहले आई शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह ने सक्सेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शाहिद कपूर की बॉलीवुड में शुरुआत अमृता राव के साथ फिल्म इश्क विश्क से हुई थी, जिसके बाद दोनों की जोड़ी को कई और फिल्मों में भी साथ में देखा गया। उसके बाद शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत से शादी कर ली। आपको बता दें, शाहिद कपूर ने बीते दिनों इंस्टाग्राम पर एक सेशन में बताया कि वो किताब पढ़कर शाकाहारी हो गए। शाहिद कपूर ने बताया कि एक बुक लाइफ इज फेयर पढ़ करके वो वेजिटेरियन हो गए, जो उनके पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए दी थी। उस किताब का उन पर शाकाहारी बनने के लिए काफी ज्यादा असर पड़ा। इसी सेशन में शाहिद ने बताया कि उन्हें राजमा और चावल का पंजाबी कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। हाई प्रोटीन ट्रीट के प्रशंसक देश भर में है, इसीलिए कोई भी इसे जानकर सरप्राइज नहीं हुआ। ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह के बाद शाहिद कपूर अब जल्दी ही फिल्म जर्सी में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके पिता पंकज कपूर भी उनके मेंटोर की भूमिका में नजर आएंगे। शाहिद जर्सी से पहले फिल्म शानदार में भी अपने पापा पंकज कपूर के साथ नजर आ चुके हैं। इसके अलावा पंकज के डायरेक्शन में भी एक्टर ने फिल्म मौसम में साल 2011 में काम किया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। आपको बता दें कि लॉकडाउन के टाइम पे शाहिद अपने घर में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आस्क मी सेशन के दौरान जब एक फैन ने पूछा कि खाना, बर्तन, कपड़े ये सब कर रहे हो क्या लॉकडाउन में, तो इसका जवाब देते हुए एक्टर ने लिखा, मेरा डिपार्टमेंट बर्तन का है और तुम्हारा? वैसे कोरोना के चलते शाहिद कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और वो सभी को अवेयर करने का भी काम कर रहे हैं।